वो बेटा दुर्भाग्यशाली है जो अपने माँ बाप का वचन का पालन नहीं करता। एक तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है, ऊपर से माँ बाप के आदेश का पालन करने का अवसर मिल रहा है। दो दो लड्डू मेरे हाथ में है, आप लोग चिंता मत करो। भगवान रामचंद्र ने इस ये पंक्ति जो कहा ना, गोस्वामी गोस्वामी है, मैं आपको क्या बताऊं, रामचरितमानस की अद्भुत महिमा। सुन जननी यह सुत बड़ भागी। भगवान राम कैकेयी को जननी कह रहे हैं। क्या कैकेयी जननी है? राम की जननी कैकेयी है? राम की जननी कौशल्या है। तो फिर राम कैकेयी को जननी क्यों कह रहे हैं? अद्भुत तात्पर्य है भक्तों, राम ये कहना चाहते हैं कि रघुकुल के राम को जन्म देने वाली तो कौशल्या है, हैं? रघुकुल के राम को जन्म देने वाली कौशल्या है, लेकिन राम राज्य का जन्म देने वाली कैकेयी आप हो। यदि आप न होती तो वन में लाखों लाखों असुरों का वध न होता, साधु संतों को आनंद न होता, धर्म की स्थापना न होती, पृथ्वी का भार दूर न होता, देवताओं की चिंता मुक्त न होती। मां मां राम राज्य की जननी आप हो। और अब मैं ये आज्ञा का पालन न करूं तो मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। धन्य है प्रभु, भगवान ने बहुत कुछ सिखाया। हमारा क्या है ना, हम इस राम की थोड़ी भी भक्ति करने लगते हैं ना तो माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। कभी कभी हम पूछते भी, आपके माता पिता कैसे? उसका नाम मत लो, वो रावण जैसे हैं, वो हिरण्यकशिपु जैसे, तू राम हो गया। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं, चाहे जैसे भी हो, माँ बाप माँ बाप होते हैं। उनकी आज्ञा का पालन, उनके वचन का पालन पुत्र का धर्म होता है। देवर्षि भूताप्त निणाम पितृणाम, मनुष्य के जीवन में अनेकों ऋण होते हैं, देवताओं के ऋण, ऋषि मुनियों के ऋण, माता पिता के ऋण। जब तक इन ऋण से मुक्त नहीं हो गए, हमें भगवत प्रेम, भगवत धाम या भक्ति प्राप्त नहीं होगी।